चलिए यूपी की बात करते हैं। यूपी में एक बार फिर चुनावी मौसम आ गया है। कैराना और नूरपुर उपचुनाव होने हैं। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को होने जा रहे उपचुनावों के मतदान से ठीक एक दिन पहले रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री 27 मई को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, NH9 और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पहले फेज का भी उद्घाटन करेंगे। फूलपुर गोरखपुर उपचुनाव में करारी हार मिली थी और उसकी भरपाई के लिए बीजेपी कैराना और नूरपुर उपचुनाव में किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहती है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां एक बार फिर उपचुनाव जीतकर अपनी जीत को बरकरार रखना चाहती हैं। फूलपुर गोरखपुर की जीत के बाद सपा बसपा गठबंधन ने कैराना से लोकदल को समर्थन दिया है। लोकदल ने कैराना से तबस्सुम हसन को टिकट दिया है। उधर बीजेपी ने 7 बार कैराना से विधायक रहे हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को टिकट दिया है। गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में बीजेपी को पटखनी देने के बाद अविपक्ष की निगाह कैराना और नूरपुर उपचुनाव पर टिकी है। इसी बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैराना में चुनाव प्रचार नहीं करने का फैसला किया है। वहीं ऐसी भी संभावना है कि अखिलेश यादव नूरपुर में भी चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि महागठबंधन को आशंका है कि कैराना में चुनाव प्रचार और बड़ी रैलियों का दांव उल्टा पड़ सकता है और इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मौका मिल जाएगा। दरअसल अखिलेश यादव को RLD और सपा ने स्टार प्रचारक की लिस्ट में रखा था। सूत्रों का कहना है कि सपा और RLD का ये मानना है कि बड़ी रैलियों से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सकता है और ये बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि इसको नकारते हुए बीजेपी अपनी जीत का दम भर रही है। देखिए, ये जोड़ तोड़ की राजनीति मात खाएगी और माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए किए गए कार्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कैराना और नूरपुर में जन जन से संवाद कर रही है। और जैसा कि माननीय योगी जी ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र की जो प्राथमिकताएं थी उसके आधार पर किसानों को जो बड़ी राहत देने का काम किया है, कानून का राज कायम किया है और इसी तरह से लोक कल्याणकारी अनेक योजनाओं को, चाहे गरीबों को आवास हो, उज्ज्वला योजना के तहत बिजली हो और सौभाग्य योजना के तहत निःशुल्क कनेक्शन हो, ये बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारी हैं। आम जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को में विजय श्री प्राप्त करेगी और ये जो गठजोड़ की राजनीति है ये पुनः असफल हो। वहीं सपा और RLD का कहना है कि उनके गठबंधन से बीजेपी में डर है, इसलिए बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए बड़ी रैलियां कर रही है। बीजेपी की नजर जाट और गुर्जर वोट बैंक पर है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कुछ भी कर ले वो कैराना में जीत नहीं सकती। देखिए, उपचुनाव में चाहे कैराना की बात हो या गोरखपुर की, जोगी जी ने गोरखपुर भी लगातार जनसभाएं की थी, ताबड़तोड़ जनसभाएं की थी और उसका जो नतीजा निकला सबके सामने है और वही हस्त कैराना में भी होगा। सरकार मुद्दों की बात नहीं करती है, वो सियासत करती है। कभी जिन्ना की बात करेगी, कभी हिंदुत्व की बात करेगी। जो आम जनता के मूलभूत मुद्दे हैं उससे सरकार पूरी तरह से गायब हो गई है। तो अब जनता सरकार से हिसाब मांग रही है, केंद्र से भी और राज्य से भी, जहां दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। तो अब जनता के हाथ में फैसला है। जनता जिस तरह से गोरखपुर और फूलपुर में फैसला सुनाई थी, वही फैसला जो है कैराना में सुनाने जाएगी। वहीं बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव कैराना उपचुनाव में प्रचार के लिए इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो डरे हुए हैं, लोग वहां निडर होकर रह रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में रैली के दौरान कहा था कि अखिलेश यादव के हाथ खून से सने हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि अखिलेश यादव कैराना में आकर चुनाव प्रचार कर सके। आज मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए यहां पर आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का मतलब भारतीय जनता पार्टी का जीत समृद्धि की जीत होगी, विकास की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी की जीत का मतलब सुरक्षा की जीत होगी, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। आज जो लोग दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके इस क्षेत्र के अंदर निशाना साधना चाहते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। और वो मुंहतोड़ जवाब इस रूप में कि भाइयों बहनों, आज ये लोग गुमराह करने का प्रयास करेंगे,
अनेक प्रकार से प्रयास करेंगे, अनेक प्रकार के नारे देंगे। समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को दूसरे को उधार तो दे देती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की हिम्मत नहीं कि वे यहां आकर के चुनाव प्रचार में भाग ले सकें। बहरहाल कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 28 मई को वोटिंग होनी है। कैराना में आरएलडी प्रत्याशी तबस्सुम और दिवंगत सांसद हुकुम सिंह की बेटी दुर्गांका सिंह के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कैराना और नूरपुर सीट में हो रहे उपचुनाव में दोनों ही सीट में जीत हासिल करना नाक का सवाल बना हुआ है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकांश मंत्री कैराना और नूरपुर पर नाइट हार्ड कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकता भी अपनी ताकत झोंके हुए है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन सीट पर जीत भारतीय जनता पार्टी दर्ज कराती है या विपक्षी एकता। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, चैनल 1 न्यूज, लखनऊ।